अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। वो 40 बिलियन डॉलर तो आपने इकट्ठा करने हैं, तो ये आप आज इकट्ठा करोगे, फिर कल किस तरह करोगे? ठीक है, अब वन ऑफ है ना, कल किस तरह करोगे? ये जितना आप इकट्ठा करोगे ये तो आपके लोन पेमेंट में चली जाएगी, नहीं जाएगी, आप डिफॉल्ट हो जाते हो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, डोंट ट्रिपल योर इंडस्ट्री। 13 आपने इंडस्ट्रीज को लगा दिया सुपरटेक, बिल्कुल चलो, तो कब तक ये सस्टेन करेगी? ठीक है, वो एक इंडस्ट्री बिस्किट जो 10 रुपए का बेच रहा है उसने तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी उतनी रखनी है, वो 15 का बेचेगा, 15 का बेचेगा, खरीदेगा कौन? आवाम। और महंगाई, जो महंगाई है और टैक्सेस जो है वो बढ़ने से कैपिटल की फ्लाइट होती है। जी देखिए, जब आपका ये टैक्स की हम बात करते हैं, आप कितना, एक तो सबसे पहले सबसीक्वेंट गवर्नमेंट्स ने एक फेलियर दिया है कि हर गवर्नमेंट का एक आप कह लो कि एक आइडिया था कि वो उसने परमानेंट रहना पार के अंदर, कॉरिडोर से पार के अंदर, विद द रिजल्ट वो गरीब को गरीब करते गए, उसको टैक्स नहीं लगाया। आपने अगर आगे बढ़ना है ना फॉर द सेक ऑफ द स्टेट, तो आपने हर बाशिंदे के ऊपर आपने टैक्स लगाना पड़ेगा। जब तक आप टैक्स नेट पे नहीं लोगों को लेके आएंगे, आपकी ट्रिलियन डॉलर आपकी इकोनॉमी है जो कि अनचार्टेड है। आपका ये जो राजा बाजार ले लो, एक बात कहना चाहता हूं, कुछ कहना चाह रहे हो। देखिए, हम माचिस की तीली खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स है, सिगरेट पर भी टैक्स है। दुनिया की कौन सी चीज है जो हम मार्केट में लेने जाएं जिस पर GST नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो हम हर चीज पर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आई टोटली एग्री। लेकिन देखें, जब आप ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स, आप वैल्यू पे आप उसके टैक्स लगाते हैं जो कि सरकार की गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट यू आर बाउंड टू पे टैक्स। पूरी दुनिया के अंदर गरीब आदमी भी टैक्स देता है, और जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, फिर जो गवर्नमेंट होती है सोशल वेलफेयर के तहत उस आदमी को रिवाइव करती है, उसको सर्वाइव कराती है। हमारे अंदर हम बात तो बड़ी सोशल वेलफेयर की करते हैं, लेकिन वो नहीं है। हम थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात कोई और है। लेकिन मैं अभी कहने लगा था, आपका राजा बाजार चले जाओ, कितनी दुकानें राजा बाजार में रावलपिंडी के अंदर के जो जो डायरेक्टली FBR के साथ है, कैश बिजनेस हो रहा है, ये कराची में, पेशावर में हो रहा है, कराची है, लाहौर है, आपका ट्रिलियन डॉलर बिजनेस जो कि कैश में है, आप इसको लेके आओ ना FBR के नीचे, आपको आपका जो रिटर्न है आप इमीडिएटली इसको देखो कि चेंज हो जाएगा। आपकी ब्लैक इकोनॉमी जिसके ऊपर FATF खड़ी, ये भी आपसे खुश होगी। डॉक्यूमेंटेशन, पीजे मीर साहब, डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल कोई भी इसमें शक नहीं है कि हमें करनी चाहिए, और टैक्स नेट को भी हमें एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन जब भी आप करने लगे तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर डिटेलर्स, उनकी बहुत हड़तालें हमने देखी हैं। एक तबका जिसको हम बहुत ही कम जो है टैक्स कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट वही हो जाती है, वह है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ऊपर अभी मिफ्ता साहब ने बात ही की है, और उसके ऊपर भी हमने देखा है कि पुशबैक आना शुरू हो गई है। तो अब इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा ना हमें। नहीं, बट गिल्टी कौन है सर? आप देखें ना, गिल्टी कौन है? हमारी अवाम गिल्टी है। ये कईयों को बुरा लगेगा, ये अवाम गिल्टी है, क्योंकि फिर जो भी हुकूमत होती है वो टैक्स लगाती है, हड़तालें हो जाती है, लॉकआउट हो जाते हैं, घेराव हो जाता है, ये लोग जलाव हो जाता है, कौन जिम्मेदार? देखो, गवर्नमेंट जो भी आएगी, वेदर इट इज PTI, PMLN और एनीबडी, ये लोगों के टैक्सेस से चलती है। लोग टैक्स देना नहीं चाहते, पूरी दुनिया में नहीं देते हैं, लोग अवॉइड करते हैं, अवॉइडेंस हर जगह है, लेकिन यू स्टिल हैव टू, जो आपने लव इस्तेमाल किया, टैक्स नेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये बड़ी कड़वी गोली है, लेकिन अगले 100 साल के लिए जब हम यहां नहीं होंगे, हम लोगों की कुछ लेगेसी अपनी यहां की आज की लेगेसी छोड़ के जाएंगे। आप करेंगे तो आपकी नेशन बिल्डिंग होगी, नहीं करोगे एडॉप्टिज्म पे चलोगे कि आज मेरी हुकूमत है, 3 साल चलेगी, 5 साल के बाद कोई और आएगा। Nations are not built like that. हमें लॉन्ग टर्म इकदाम लेने, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, ये नहीं कि टेम्परेरली के 3 साल, 2 साल, 5 साल की हुकूमत। It means nothing. हमने अवाम के लिए लॉन्ग टर्म generations के लिए सोचना है, और वो टैक्सेशन है। किसी लीडर ने जेब से आके पैसे नहीं देने। लेकिन बात यह है ना कि एक साइड पे आप एग्री कर रहे हैं कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे स्टार्ट आपने किया था सुपर टैक्स को ख़त्म करने के ऊपर ना, कि आपने कहा कि उससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। तो इस वक्त अगर कुर्बानी 1 साल के लिए दे देती है हमारी मुखैर तबका, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि दे आर ऑन बोर्ड, तो इज़ इट नॉट ओके?
फरोख अभी क्या कहा अजीम चौधरी साहब ने, और $40 बिलियन तो आपने इकट्ठा करना है, तो ये आप आज इकट्ठा करोगे फिर कल किस तरह करोगे? ठीक है, अब वन ऑफ है ना, कल किस तरह करोगे? ये जितना आप इकट्ठा करोगे ये तो आपके लोन पेमेंट्स में चली जाएगी, नहीं जाएगी, आप डिफॉल्ट हो जाते हो. सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, डोंट ट्रिपल योर इंडस्ट्री. 13 आपने इंडस्ट्रीज को लगा दिया सुपरटेक, बिल्कुल चलो, तो कब तक ये सस्टेन करेगी? ठीक है, वो एक इंडस्ट्री बिस्किट जो 10 रुपए का बेच रहा है उसने तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी उतनी रखनी है, वो 15 का बेचेगा, 15 का बेचेगा, खरीदेगा कौन? आवाम. बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट एक्सेस है और महंगाई है. बिल्कुल सही है सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो फहीम सरदार साहब के पास दोबारा आता हूँ. फहीम सरदार साहब, खासतौर पे सुपर टैक्स के ऊपर, इसका कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा. और अगर ये टेम्परेरी चीज़ है, मुझे मिल्टन फ्रीडमैन की एक मकूला याद आता है, वो कहता है कि दुनिया के अंदर एक हुकूमती जो टेम्परेरी स्कीम है उससे ज़्यादा परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती. एक दफ़ा आपने लगा दिया तो फिर कभी नहीं ख़त्म होता. ठीक है, तो डू यू थिंक कि ये न्यू नॉर्मल नहीं बन जाएगा और ये सिर्फ एक दफ़ा के लिए? मेरा ख्याल है नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि ये सुपर टैक्स पहले भी लगा था और काफ़ी अरसे तक चलता रहा था. और ये मुझे कुछ याद पड़ता है कि 2016-17 में रावी का टैक्स जो था पुल का, वो अब तक नहीं खत्म हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ. सो वो कहते हैं कि 71 के जो फ्लड्स हैं उसका भी 1 रुपया जाता है हमारे साइक्लोन टैक्स है, पता नहीं क्या है. तो उसमें जो देखें, बड़ी मैं ज़रा थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा हमारे जो दोस्त हैं उनकी बात में, कि जो डायरेक्ट टैक्स का जो इफेक्ट है और इनडायरेक्ट टैक्स का जो इफेक्ट है, ज़रा हमें थोड़ा क्लियर कर देना पड़ेगा कि जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं ना तो वो आपकी इनकम पे जाता है, ठीक है ना, उसको सेल्स में आप नहीं डाल सकते. जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है ना उसका इफेक्ट सेल्स पे आता है, तो इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स है उसका इन्फ्लेशन पे कम असर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इन्फ्लेशन पे ज़्यादा असर होता है. सो इसीलिए जब जिन मुल्कों, अगर हम इनडायरेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसकी आपकी इन्फ्लेशनरी आपकी हर चीज़ बन जाती है. अब ये जो सुपर टैक्स वगैरह जो लगा है ये आमदन पे लगा है, आमदन पे लगा है. इसका जो थोड़ा सा मैं जिस पे मैं सच्ची बात इतना क्लियर नहीं हूँ वो है कि ये गुजरे हुए सालों पर भी लगा है. अच्छा, ठीक है. सो ये एक थोड़ा सा एक बड़ा संजीदा नुकता है. अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो उसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे और लोग पूछते रहेंगे, लेकिन बाहर के पार्लियामेंट ने आज पास कर दिया और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड हैं सारे के सारे लोग और दे आर रेडी टू एक्चुअली कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब मसला ये है कि इस वक्त आप वैल्यू एडिशन की बात करते हैं और आपने सेल्स टैक्स की बात सही की, लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब किस्म की बात है. मैं आपसे कहूँ कि ये जो सब्सिडीज़ हैं ये होनी चाहिए गरीबों को बचाने के लिए. आप कहेंगे अमीर और गरीब को सबको तुमने लगा दिया जो है, और मर्सिडीज़ भी उतना उसी कीमत का तेल खरीद रही है जो कि एक मोटरसाइकिल खरीद रहा है. दूसरी साइड पे जब GST लगाते हैं वो भी तो इनडायरेक्ट है, तो उसके अंदर फिर ये क्यों नहीं किया जाता कि अमीर को लगे गरीब को ना लगे? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि इनडायरेक्ट है तो उसकी वजह से सबको देना है. जी वही, तो हमारे मुल्क में ये आर्गुमेंट वहाँ जाके क्यों दम तोड़ जाती है जब टैक्सेशन की बात आती है?